अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो टॉपिक है हमारी आज की वीडियो का वो है द रोड नॉट टेकन की समरी। लेट्स स्टार्ट। द रोड नॉट टेकन, ये पोइम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख लीजिएगा। रोड नॉट टेकन ये पोइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और ये पब्लिश हुई थी 1915 में, उसकी एक कलेक्शन इन द अटलांटिक में। इस पोएम का जो मेन आइडिया है, ये पोएम डिस्कस करती है उन आइडियाज़ को जो हमें उस टाइम फेस करने पड़ते हैं जब हमारा रोड, हमारा पाथ, हमारा रास्ता दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, या फिर अगर हम दो रोड्स में से हमें एक रोड चूज़ करना है तो जो डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती हैं, ये पोएम उन आइडियाज़ को, उन चीज़ों को डिस्कस करती है। अब हम चलते हैं इस पोएम की मेन समरी की तरफ। द पोइट वाइल ट्रेवलिंग ऑन फुट इन द वुड्स कम अक्रॉस अ पॉइंट वेयर हिज पाथ डाइवर्जेस इनटू टू रोड्स एंड ही हैज़ टू चूज वन ऑफ देम। हमारा जो पोइट है वो एक जंगल में जा रहा है, अपने सफ़र पे जा रहा है, वहाँ जाके एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे उसका जो रोड है, उसका जो रास्ता है, वो दो हिस्सों में, दो सड़कों में डिवाइड हो जाता है। तो वहाँ पर वो हमारा पोइट खड़ा है, वो सोच रहा है कि उसको उन दो रास्तों में से एक रास्ता चूज़ करना है। द पोइट इज़ इन डायलेमा विच रोड ही शुड टेक टू कंटिन्यू हिज जर्नी। तो यहाँ पे हमारा पोइट खड़ा है, वो सोच रहा है, वो इस मुश्किल में है कि मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँ जो कि मेरे लिए सफ़र के लिए बेहतर हो और अच्छा साबित हो। ही स्टैंड्स देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट वन ऑफ द रोड्स। वो वहाँ पे खड़ा होता है, उन दो रास्तों में से एक सड़क को, एक रास्ते को देख रहा होता है और उसके बारे में सोच रहा होता है। ही फाइंड्स दिस रोड एज अ बीटन ट्रैक मेनी पीपल हैड ट्रैवल्ड ऑन इट। उसको लगता है कि जो उन दोनों में से जिस रास्ते को वो देख रहा है काफ़ी टाइम से, उसको ये उसने जज किया है, ये एनालाइज किया है कि जो वो रास्ता है उस पर काफ़ी लोग जा चुके हैं, क्योंकि वहाँ की जो घास है, ऊपर की जो ग्रास है, वो कुछ दबी हुई है, उसका कलर भी चेंज हुआ हुआ है। मतलब उसको ये फील आ रही है कि यहाँ पर काफ़ी लोग ट्रैवल कर चुके हैं, इस वजह से इसकी जो ग्रास की जो हालत है, जो कंडीशन है, वो इस तरह हो गई है। द पोइट देन लुक्स एट द अदर रोड विच है वॉज ग्रासी एंड सीम लेस ट्रेवल्ड। तो उसके बाद वो दूसरे रोड को देखता है, वो सोचता है कि ये जो सेकेंड जो पाथ है, सेकेंड जो रोड है, ये कुछ बेहतर लग रहा है, इसके जो ग्रास है वो भी मतलब परफेक्ट है और ये अच्छा भी लग रहा है। तो ये शो कर रही है कि यहाँ पर कम लोग चले हैं, क्योंकि उसकी जो हालत है वो अच्छी है अभी तक। बींग एडवेंचरस बाई नेचर ही चूज द अदर रोड एंड लीव्स द फर्स्ट वन फॉर सम अदर डे। वो जैसे कि हम इंसान जो होते हैं वो एडवेंचरस होते हैं बाय नेचर, तो उसने सोचा कि मैं वो रास्ता लेता हूँ जो कि कम लोग जिस रास्ते पे गए हैं। मतलब एक रास्ता वो है जहाँ पे काफ़ी लोग जा चुके हैं, तो मैं वो रास्ता चूज़ नहीं करता, मैं उस रास्ते पे जाता हूँ जहाँ पे कम लोग जाते हैं। तो वो सेकेंड रोड को चूज़ कर लेता है, नोइंग फुली वेल डैट ही विल नॉट गेट अ चांस टू गो बैक टू इट। उसको ये बात पता है कि अगर मैं, उसने ये बात सोची है कि मैं ऐसा करता हूँ कि जहाँ पर कम लोग गए हैं ना, मैं उस रास्ते पर चलता हूँ, जो ज़्यादा लोग वाला रास्ता है वो छोड़ देता हूँ, उस पर किसी और दिन चला जाऊँगा। फिर वो खुद ही सोचता है कि अगर मतलब मेरे पास ये जो पॉइंट है दोबारा वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे साथ होता भी है अक्सर कि जो हमें डिसीजन लेना होता है ना, वो एट अ पॉइंट लेना होता है, क्योंकि वो टाइम हमारे पास दोबारा नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने मैट्रिक किया है, उसके बाद हमने इंटर करनी है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक FSC का और एक ICS का। इसी तरह अगर हम FSC में जाते हैं, वहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, एक मेडिकल का, एक इंजीनियरिंग का। हमें पता होता है कि हमें वहाँ पे एक ऑप्शन को चूज़ करना है और जो सेकंड ऑप्शन है वो दोबारा हमारे पास नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी पोइट को पता है कि बेशक वो कह रहा है कि हाँ ये सड़क मैं छोड़ देता हूँ, किसी और दिन इस सड़क पर चला जाऊँगा, लेकिन उसे पता है कि मैं यहाँ दोबारा वापस नहीं आ सकता। द पोइट फील्स डैट दिस चांस विल मेक ऑल द डिफरेंस टू हिज फ्यूचर लाइफ। और उसको ये बात भी फील हो रही है कि जो मेरा डिसीजन होगा एक रोड चूज़ करने का, ये दोबारा मेरे पास नहीं आएगा और यही मेरा डिसीजन मेरी लाइफ को, मेरी फ्यूचर लाइफ को डिसाइड करेगा और डिफरेंस क्रिएट करेगा। मतलब अगर ये जो इसने रोड चूज़ किया है ये पॉजिटिव होगा तो उसकी फ्यूचर लाइफ भी अच्छी होगी, लेकिन अगर इसका ये डिसीजन गलत हुआ तो उसकी फ्यूचर लाइफ जो होगी वो अच्छी नहीं होगी। तो ये सब बातें उसको पता है। तो यहाँ पर ना वी कॉन्ट गो थ्रू ऑल द रोड्स अवेलेबल टू अस। ये रियलिटी है कि जो हमारे पास हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ जो मौके हमें अवेलेबल होते हैं, उन सब अपॉर्चुनिटीज़ को, हम उन सब ऑप्शन को अवेल नहीं कर सकते, हमें उनमें से एक को चूज़ करना होता है। और ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, हम बहुत से लोग इसमें मतलब बहुत इसको बना लेते हैं कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है,
क्योंकि वाकई ही मुश्किल है, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सा हमारा डिसीजन हमारे लिए पॉजिटिव होगा, कौन सा हमारे लिए नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि हम कभी भी ना अपने तमाम रोड्स को, अपने तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को सबको इकट्ठा अवेल नहीं कर सकते। द पोइट नाउ फील्स दैट आफ्टर एजेस फ्रॉम नाउ ही वुड बी लुकिंग बैक एट द डिसीजन विद अ साइ। यहाँ पे वो कह रहा है कि हो सकता है कि मैं काफ़ी सालों बाद इस डिसीजन को, इस पॉइंट को सोचूं और फिर उस पर अफसोस करूं कि शायद मैंने अपना जो रास्ता है, जो रोड है, वो गलत चूज़ कर लिया है। द पोएट टॉक्स अबाउट वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग द राइट चॉइस आउट ऑफ मेनी। वो कहते हैं कि जो सबसे एक बेसिक प्रॉब्लम है तमाम इंसानियत की, तमाम ह्यूमन बींग्स की, वो यही है कि उनको मुश्किल पेश आती है अपने लिए राइट डिसीजन, अपने लिए राइट डिसीजन लेने के लिए अपने तमाम ऑप्शंस में से, तमाम अपॉर्चुनिटीज में से एक अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना, एक रोड को चूज़ करना। लेटर द पोइट विशेज दैट ही हैड टेकन द रोड ही लेफ्ट। जैसे ही हमारा पोइट थोड़ा आगे जाता है उस सड़क पर जो उसने चूज़ की है, लेस ट्रेवल्ड रोड पर, तो वो सोचता है कि काश जो सेकंड रोड है मैंने वो लिया होता, क्योंकि उसको वहाँ पे फील होता है कि जो मैंने रोड चूज़ किया है ना वो सेम ही है जैसा कि पहले वाला था। पहले उसे फील हुआ है कि लेस ट्रैवल्ड है, लेकिन जैसे ही वो आगे गया उसको फील हुआ है कि नहीं, दोनों रोड सेम ही थे, काश मैं पीछे वाला रोड ले लेता। तो यहाँ पर वो एक शो कर रहा है कि हम कैसे अपने जो डिसीजंस होते हैं उन पर डाउटफुल होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमारा जो डिसीजन है वो राइट है या रॉन्ग है। We come across many alternatives or choices in life. हमें बहुत सी मौके मिलते हैं, बहुत सी choices मिलती हैं अपनी ज़िंदगी में। एक चीज़ की जगह हमें चार ऑप्शन दिए जाते हैं कि इनमें से एक ऑप्शन को चूज़ करना है। But we can't take up all choices at a time. लेकिन हम तमाम choices को at a time adopt नहीं कर सकते, हमें उनमें से किसी एक को ही चूज़ करना होता है। Neither can we alter the decision once made by us. और ना ही हम अपने डिसीजन को लिए हुए डिसीजन को दोबारा चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं FSC कर ली है, FSC करने के बाद हम दोबारा ICS नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है वो ख़त्म हो गया है। वो एक टाइम तक था, हमने वो टाइम ज़ाया कर दिया है उसमें से एक रोड चूज़ करके, अब वो टाइम दोबारा हमारे पास नहीं आएगा। Therefore, it is important to make a right choice because our future is heavily dependent on it. तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में अच्छी choices को, right choices को adopt करें, क्योंकि ये जो चॉइस होगी, ये जो रोड होगा, ये हमारी जो आने वाली लाइफ है, हमारी फ्यूचर लाइफ है, वो उस पर डिपेंडेंट होती है, वो उसके ही अकॉर्डिंग चलती है। इफ़ वी फेल टू मेक अ राइट डिसीजन आवर लाइफ वुड बी फुल ऑफ मिजरीज, बट इफ़ वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू मेक अ राइट चॉइस वी वुड बी सक्सेसफुल। अगर हमने अपने ज़िंदगी का जो डिसीजन है वो हम सही नहीं ले सके, हम उसमें फ़ेल हो गए हैं, तो हमारी जो आने वाली ज़िंदगी है, जो फ्यूचर लाइफ है, उसमें मुश्किलात, हार्डशिप्स, मिजरीज हमने फेस करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि हमारी अपनी चॉइस थी इस रोड को चूज़ करने की। लेकिन अगर हमारी किस्मत इतनी अच्छी है, हम इतने फॉर्चुनेट हैं कि जो हमने डिसीजन लिया है वो राइट है, तो हमारा जो आने वाली लाइफ होगी, फ्यूचर लाइफ होगी, वो बहुत ही कामयाब और सक्सेसफुल होगी। ये थी रोड नॉट टेकन की समरी। जो इस पॉइंट में मेन आइडिया है वो यही है कि हमें हर फील्ड में, अपनी एजुकेशन में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में दो ऑप्शन दिए जाते हैं और हमें उसमें से किसी एक को चूज़ करना होता है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम तमाम सर्कमस्टांसिस को, तमाम चीज़ों को, तमाम फैक्ट एंड फिगर्स को सामने रख के और फिर डिसीजन करें, क्योंकि हमारी जो लाइफ है, जो फ्यूचर लाइफ है, वो उस डिसीजन पर, वो इस चॉइस पर डिपेंड कर रही होती है। ये थी हमारे पोएम की समरी, जिसको समझाने के लिए मैंने आसान लफ्ज़ों का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज़। थैंक यू।